नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। अरविंद केजरीवाल का आना तय, पिछली बार का आंकड़ा नहीं छू पाएगी आप, भाजपा की सीटें बढ़ेगी, कांग्रेस का खाता खुलना भी मुश्किल। दिल्ली चुनाव में कई दिग्गज पिछड़े, भाजपा के विजेंद्र गुप्ता और रविंद्र गुप्ता पीछे, आपके आतिशी और जय भगवान भी पिछड़े, कांग्रेस की अलका लांबा भी हार की कगार पर। नई दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4000 से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं, बुराड़ी में आपके ही संजय झा 10000 से ज्यादा वोटों की बढ़त। चीन में कोरोना के 2478 नए मामले सामने आए, अब तक 42638 लोग कोरोना वायरस से संक्रमण का शिकार हुए, इलाज के बाद कुल 3996 लोगों को अस्पताल से छुट्टी। एनआरसी पर भाजपा विधायक संगीत सोम के बिगड़े बोल, सोम ने ओबीसी पर निशाना साधते हुए कहा कि मनमानी की तो कागज भी दिखाएंगे और जूते भी खाएंगे। नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 3 छात्राएं सोमवार शाम से लापता, परिजनों ने दर्ज कराया अपहरण का मामला, नोएडा में दहशत का माहौल। दिल्ली चुनाव में आपकी जीत की खबरों के बीच उछला शेयर बाजार, सेंसेक्स में 450 अंक तक का उछाल। यूनान के कारपाथोस द्वीप में भूकंप के झटके, रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2021 के लिए देश का रक्षा बजट बढ़ाकर 740 अरब डॉलर करने का प्रस्ताव दिया, चीन और रूस के सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम के मद्देनजर अहम है ट्रंप की पेशकश। बजट प्रस्ताव में पेंटागन ने कहा, बेहद खतरनाक ढंग से बदल रहा है सुरक्षा परिदृश्य, चीन और रूस पड़ोसियों को दबाने के लिए अपना रहे हैं आक्रामक तरीके। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।